हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज भारती फर्स्ट टाइम अपनी न्यू स्कूटी पे स्कूल जा रही है। तो जैसा कि हमारा प्लान है, भारती आगे आगे जाएगी और मैं उसके पीछे अपनी गाड़ी पे आऊँगा। तो देखते हैं भारती कैसे आज स्कूटी को राइड करती है। तो अब चल पड़े हम स्कूल की तरफ। हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस अराउंड 10 किलोमीटर है और इस 10 किलोमीटर के रोड पे बहुत सारे शार्प टर्न्स हैं। तो देखते हैं भारती वहाँ पर कैसे राइड करती है और कैसा उसका आज का एक्सपीरियंस रहता है। एक तो टर्न काफ़ी शार्प थे, तो जो हमारे रोड का सबसे शार्प टर्न माना जाता है, उसी पे भारती को आज गवर्नमेंट बस मिली। तो वहाँ पर उसने अच्छे से कंट्रोल करते हुए स्कूटी आगे निकाली। सीजर राइडर काफ़ी टाइम से वो स्कूटी राइड कर रही है, तो उसकी पसंद थी कि वो यामा की कोई स्कूटी ले। तो हमने उसके लिए यामा RZ125, जो इसका सबसे टॉप वेरियंट आता है, वो वाला लेके रखा हुआ है। ये हमें अराउंड 1,09,000 के आसपास पड़ा था। तो अभी तक तो ठीक है, सुबह भारती अच्छे से स्कूटी चला रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें और बढ़िया से राइड कर रही है। फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा मुझे भी थोड़ा टेंशन थी और उसके माइंड में भी थोड़ा सा, बट ऑल ओके, सब बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज अपनी गाड़ी जहाँ मैं चौथे और पांचवें गियर में चला था, थर्ड गियर में चलानी पड़ रही, क्योंकि आगे भारती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके पीछे रहूँ, ताकि अगर उसको कोई दिक्कत हो तो मैं उसको उसकी हेल्प कर सकूँ। यहाँ पे हम रिवाल्सर के थोड़ा सामने आ गए हैं। थोड़ा बीच में बहुत तेज भगा रही है, जो कि उसको अभी नहीं करना चाहिए। अभी उसको बिल्कुल आराम से और थोड़ा पेशेंस के साथ चलानी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से हम थोड़ा सा रिवाल्सर की तरफ देख सकते हैं, इस तरफ रिवाल्सर है और पूरा नहीं दिख रहा है। राइडिंग कॉन्फिडेंटली अच्छे से चला रही है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक शार्प टर्न्स है जहाँ पर कई बार गाड़ी वाले तेज स्पीड में आते हैं, तो इन टर्न्स पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं है तो टिक लेके थोड़ा आगे से रिकॉर्ड करते हैं कि कैसा फील कर रही है और कैसा है उसका अभी तक का एक्सपीरियंस। राइडर, अभी रेस हो रही है, बुलेट वाला बहुत पीछे रह चुका है और भारती हमारी बिल्कुल आगे जा रही है।
बारिश होने के बाद का मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सा ठंड लगने लग गई है और भाती जैसे कि स्कूटी पे और मैं अपनी गाड़ी में हूँ तो आई एम फीलिंग मच कम्फर्टेबल देन हर। सी इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल बिकॉज उसकी नई स्कूटी है तो उसको शौक है इस चीज़ का, तो वो भी इसको इंजॉय कर रही होगी। बाद में पूछेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा।